पहले जब आपको उस टाइम पता लगा था कि ईद पे आपके साथ लेजेंड ऑफ मौला जट फिल्म आ रही है, तो आपकी थोड़ी सी ब्लास्ट हुई थी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और मेरा ये स्पेशल प्रोग्राम है दिल पे मत लेना। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं, बेशक आप इन्हें शक्ल से पहचानते नहीं होंगे, पहचानता मैं भी नहीं था, मैं सिर्फ इन्हें नाम से पहचानता था, बल्कि नाम से भी नहीं, मैं इनकी ना फिल्मों के नाम से पहचानता था। मेरे साथ मौजूद हैं, आप अपना नाम खुद ही बता दें। वजाहत रऊफ़ मेरा नाम है। वजाहत रऊफ़ नाम है, ये गोरे से चिट्टे से जो आदमी है इनका नाम वजाहत रऊफ़। आप सोच रहे होंगे वजाहत रऊफ़ कौन है, मैं भी ये सोच रहा हूँ, बताते आप कौन। मैं फिल्में बनाता हूँ पाकिस्तान में और ड्रामे भी बहुत किए हैं और बनाए हैं सारी ज़िंदगी, बट ये है कि अभी हमारी फिल्म आ रही है छलावा, इसलिए हम आपके साथ बैठे हैं। जी जी जी, आपने इनकी फिल्म शायद देखना, मगर आपने इनकी फिल्मों का प्रोमो लाजमी देखा होगा। इनकी पिछली फिल्म थी लाहौर से आगे थी, हाँ लाहौर से आगे इन्होंने बनाई हुई है, और वो वाली बनाई हुई है कराची से लाहौर भी बनाई हुई है। तो ये मुझे बताएं, मैंने सुना है, ठीक है, वैसे मैंने एक की शायद नहीं है, मगर मैंने अब जहाज में देख सकते हैं, पता है वहाँ लगी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जाए ना दुबई शुबई इधर उधर मिडिल ईस्ट, तो आपको वहाँ पाकिस्तानी फिल्म में वहाँ मिल जाएगी आपको, और कहीं नहीं मिलेगी। नहीं, उधर और भी फिल्में होती, तो ये फिल्म लोग क्यों देखेंगे? आपने नहीं देखी हुई ना, इसलिए वो देखे। अच्छा अच्छा, यानी मुझे उसके लिए जहाज में जाना पड़ेगा, और बाकी अंग्रेजी होती है ना, तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। आपने अंग्रेजी में फिल्म बनाई है? नहीं नहीं नहीं, बाकी अंग्रेजी होती है, बाकी उर्दू में। हाँ, अच्छा देखे ना, ठीक है, मैं भी यही करता हूँ। मगर आप जितने गोरे हैं, आप अंग्रेज क्यों लगते हैं मुझे? अंग्रेज लगता हूँ मैं आपको? हाँ, इतनी फर उर्दू का भी अंग्रेज को बोली सुनती है, सुना आपने? नहीं, वो तो आप उर्दू वैसे अच्छी होगी होगी ना, मगर मुझे लगता है आपके अम्मी अबू शायद अंग्रेज है। नहीं नहीं, अंग्रेज अम्मी अबू सही हिसाब ले। तो फिर इतने गोरे आप कैसे, आपने कोई उतनी लगाई फेयर एंड लवली क्रीम? नहीं, फेयर चूना मैंने कभी कोई क्रीम नहीं लगाई, कभी चूना नहीं लगाया कुछ। चूना आपने? नहीं नहीं, बस यही एक, किसी को भी नहीं लगाया? नहीं, वो हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ऐसी गोरे रंग का खामखा में वो है। आपको भी कभी खुद चूना लगा? नहीं, बड़ा वाला प्रॉपर वाला नहीं लगाया, छोटे मोटे चूने नहीं होते कि बात वादा खिलाफी कर ली। हाँ। बढ़िया है कि माशाल्लाह माशाल्लाह किसी ने ऐसा चूना नहीं लगाया कि मैं कहूँ यार तो बड़ा फ्रॉड निकला, पता भी नहीं चला क्या हुआ। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद बहुत तेज़ हूँ उस काम में। अच्छा अच्छा, मैंने आपका कुछ ना एक शोज मैंने देखे जो ऑनलाइन आते हैं, वो उसके अंदर आते दाढ़ी मूछें होती हैं, तो आपकी दाढ़ी मूछें कहाँ गई? वो उस दिन मैं शो ऐसे बैठता हूँ ना, ऐसे पड़क करके आ जाती है, फौरन खुद ही आ जाती है और सूट भी आ जाती है, और वो बंदा भी कोई और बन जाता है। आप देख रहे हैं ना, ऐसे बात नहीं करता मैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो बंदा कोई और एकदम से बन जाता है। हाँ। और वो बड़ा डिफरेंट टाइप है। उसका नाम वॉइस ओवर मैन क्यों है? वॉइस ओवर मैन है क्योंकि वो उस कैरेक्टर ने वॉइस ओवर ही की है सारी जिंदगी। वो छोटा सा भूत नहीं होता जिसमें आप डार्क भूत में जाते हैं और फिर घर चले जाते हैं, ठीक है, तो वो सारी जिंदगी क्योंकि उसने माँ गुजारी, इसलिए वो ऐसा है। कैसे? वो थोड़ा उसके दिमाग में जो सवाल आते हैं वो पूछ लेता है और उसको लगता है वो सही है। उसका दिमाग इतना गंदा क्यों है? गंदा तो इतना नहीं है, नहीं, वो है। गंदे गंदे सवाल करता है। मैंने खुद नोट किया, हाँ, एक दो दफा शायद कर ली हूं। नहीं नहीं, काफी दफा। उसका ऐसा क्यों है दिमाग? अरे यूट्यूब है, जरा डिफरेंट ऑडियंस है, वहाँ लाइसेंस लिया जाता है। मेरा अभी भी ख्याल है कि वो एक आध दो तो शायद किए हों, बट बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। आप देखिए उसकी 38 एपिसोड्स हैं, उसमें से शायद एक आध दो ऐसी होंगी जिसमें आप कहेंगे कि हाँ कुछ काबिल एतराज़ चीज़ें हैं, ज़्यादातर वो साफ़ है, ऐसी आप बदनाम कर रहे हैं। यानी एक बंदे के दिमाग में और चीज़ हो, अगले बंदे के दिमाग में कुछ ऐसे और है। बंदे के दिमाग में कुछ और आता है सुन के, यानी इसका मतलब मेरा दिमाग गंदा है। हाँ, और जो जो सोच रहा है ऐसी चीज़ों के बारे में उसका दिमाग गंदा है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे अलावा बाकी सबकी गलती है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं सही 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 कह रहे। नहीं नहीं, आप नहीं, आप तो नहीं है वो तो कोई और है, वो वॉइस ओवर मैन है, वॉइस ओवर मैन है वो। अच्छा, वो आपकी फिल्म जो है ये छुलावा, उसकी बात कर लें। छुलावा? छुलावा जी 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 जी, ये छुलावा फिल्म आपने बना ली है, पूरी हो गई है? अच्छा, इसके राइटर कौन था? स्क्रिप्ट राइटर मैंने लिखी है और मेरे साथ यासिर हुसैन होते हैं, उन्होंने लिखी है, तो हमने मिल के जो है किया। बट ये है कि प्रोड्यूसर कौन था? प्रोड्यूसर भी मैं खुद हूँ, डायरेक्टर भी मैं खुद हूँ, सारी चीज़ें। डायरेक्टर भी खुद है, राइटर भी खुद है, तो आप ये खुद क्यों नहीं देखते हैं, हमें क्यों दिखा रहे हैं? खुद तो मैं देखता हूँ, मेरा बस चले तो बिल्कुल मैं वो करूँ। आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि देखें ये सारी टोपियाँ मुझे खुद पहननी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप सबसे करवाएं पहननी चाहिए आपके बाल कम। हाँ, बाल कम हो गए ना उम्र के साथ साथ। बस वो बस अब कर रहा हूँ सारे काम, अल्लाह ने हुनर दिया हुआ है तो इसलिए कर रहा हूँ, अच्छे बुरे का मुझे नहीं पता। कुछ काम और लोगों को भी छोड़ दे, कुछ किसी और ने भी पैसे कमाने। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए? मैं आपके लिए एक्टिंग कर सकता हूँ, मुझे प्लीज आप फिल्में ले। बिल्कुल ठीक है। आपने उसके अंदर वो एक
फजूल से एक्टर को लिया था, ठीक है, जो वो हक ला रहा था, हाँ, यासर, एक, एक, यासर। एक असली बंदे को ले जो असल में हक लाता है। मुझे कहते ना आपकी शक्ल थोड़ी सी शिराज बोल से भी मिलती है वैसे, है ना, छोटे भाई लगते हैं। मैं गा नहीं सकता गाना। अच्छा अच्छा, एक पर्सनल सवाल, आपने बुरा नहीं मनाना? नहीं, मैं बुरा नहीं मना। मुझे बताएं, आपका जो बेटा है उसको हम आपकी हर फिल्म में क्यों देखते हैं? क्योंकि इसको कहते हैं सिफारिश पर्ची, इस वजह से। यानी आप चाहते हैं आपका बेटा बड़े होकर हमायूं सईद बन जाए? और मैं चाहूंगा कि आपका बेटा बन के हमायूं सईद बन जाए। देखिए, हर बंदे का दिल होता है ना कि उसका अपना बेटा और उसके अपने बच्चे जो है ना वो आगे बढ़े लाइफ में। अगर कारोबार होता, चमड़े का कारोबार इधर उधर, तो मैं उसी को देता ना, मैं आपके बेटे को थोड़ी देता। जब आपने खर्चा किया है तो फिर फायदा भी तो हो, है ना। देखिए, मैं सच बात बता देता हूँ, एक इन इस एज के बच्चे कम मिलते हैं एक्टर्स वैसे ओवरऑल, आप देख लें, ढूंढ के बता दें मुझे। तो क्या कहते हैं, जब एक्ट कर सकता है ये तो चलो कर ले, और मैं घुसाता नहीं हूँ अंदर। वो खुद भी काफ़ी कहता है ऑडिशन करे मेरा, फिर रीडिंग होती है पूरी कास्ट के साथ, पढ़ता है, और मैं देख रहा होता हूँ आसपास कि हल्का सा भी अगर वीक लग रहा है ना, तो मैं कसम खुदा की बाहर निकाल देता। अब जैसे आपको ये तो खुशी होगी होगी कि आपने वैसे आपको तमगा इम्तियाज से पहले साइन कर लिया है, अगर आपने बाद में पकड़ा होता अब अगले प्रोड्यूसर को पता लग गया होगा, वो तो पता लग गया होगा कि अब तमगा इम्तियाज मिल गया, अब इनके पैसे अब ज्यादा हो गए होंगे, बचत होगी। मैंने भी सबा के साथ फिल्म की थी ना पिछली, उसके बाद फौरन से हिंदी मीडियम कर दी। यस, हिंदी अच्छा, मीडियम के बाद मैंने की होती तो क्या होता, क्या होता, पैसे ज्यादा मांग। यस यस यस, बिल्कुल सही कहा। अल्लाह मियां हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इसलिए अभी तक सबा को कोई फिल्म नहीं साइन करता। नहीं, वो पता नहीं मुझे क्या चल रहा है वहाँ। ये जो मैं पेशे आपका पोस्टर, आपने अप्रूव किया? अप्रूव मैंने किया, बनाया किसी और ने। हाँ, तो मुझे पता, इनका पजामा क्यों ऊपर कराया आपने? मैंने नहीं कराया। किसने कराया? खुद किया। देखे नहीं, वो नहीं, आपने नहीं कहा प्लीज ये चेक कर लें, तौबा करें, अच्छा नहीं लगता। तौबा, मैं ऐसी बात किसी हीरोइन को कहूँ तो फिर वो हो जाएगा जो आप कह रहे थे। क्या हो जाएगा? केस। नहीं, आप कह तो सकते हैं ना यार, प्लीज मेरी फैमिली फिल्म है तो ये प्लीज ऐसे ना करें। हाँ नहीं नहीं, दूसरा इस वक्त पता है, इसलिए जब शूट हो रहा था इस वक्त मैं निकल भी गया था स्टूडियो से। अच्छा, ये नहीं कि मैं कवर करा था कि वो करें, बट मुझे अच्छा लगा, थोड़ा बहुत होना चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है इसमें, मतलब ऐसे छोटी छोटी सी टांग नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत। नहीं नहीं, कुछ लोग ये पिक्चर शेयर करके कह रहे थे कि आप नेक्स्ट ईशान हैदर वो लेंगे। इसकी नहीं, वो एक और फोटो थी वो, ये वो। अच्छा, आपने और भी उनकी फोटोज देखी हुई हैं? हाँ, देखी। मुझे पता है इसके अंदर आपने आइटम सॉन्ग मिलता है जिसमें आपने मैं भी यार तो छोटे छोटे कपड़े पहनाए हैं। एक तो बुरे कपड़े देख लें गौर से, कोई थोड़े से हैं छोटे, इतना सा, इतनी सी स्किन नजर आ रही होगी, थोड़ी सी आ रही है। हाँ, तो वो क्यों आ रही है? पाकिस्तान की फिल्में देख लें पहले से, कितने जमानों से, इंडियन की भी बात नहीं कर रहा मैं, वो 50 साल पुरानी फिल्में भी देख लें, इतना थोड़ा बहुत चलता है जिसमें कुछ वाजे ना हो रहा हो बट हल्का सा टीज होता है। तो ये गाने की सिचुएशन भी ऐसी है कि वो बंजारों की शादियों में गए हैं, फिर उन्होंने धोती टाइप चीज़ें पहनाई हैं। और दूसरा आइटम नंबर मैं इसलिए नहीं कहूँगा इसको क्योंकि इसमें हीरो भी है, वो भी डांस कर रहा है। हमेशा आप कॉमेडी और इस तरह की फिल्में क्यों बनाते हैं? आपको सस्पेंस हॉरर फिल्म क्यों नहीं बनाते? सस्पेंस थ्रिलर मेरा बड़ा दिल बनाने का, और ज़रूर बनाऊंगा इंशाल्लाह एक दिन। मेरा ख्याल ये है कि इंसान को वो करना चाहिए जो उसको नेचुरली आए, ठीक है। तो मुझे लगता है, मेरा ख्याल है, शायद मैं गलत हूँ, कि कॉमेडी मुझे थोड़ी सी नेचुरली आती है, चाहे वो लिखने की हद तक हो या वो जो शो करता हूँ मैं। नेचुरली तो बंदे को वॉशरूम भी आते हैं, मगर ये नहीं जरूरी बंदा सब कुछ सबके सामने करें। नहीं नहीं, कि मज़ा आता है ना वो करने, कॉमेडी करने में, तो कॉमेडी करने में जब मज़ा आ रहा हो और मैं और यासर तो साथ बैठते हैं तो लगता है सिटकॉम चल रहा होता है। अब मैं फोर्स चीज़ को, मुझे साईफाई बड़ी पसंद है, साइंस फिक्शन बहुत पसंद है मुझे, स्टार वॉर्स वगैरह सब कुछ, लेकिन मैं वो फिल्म क्यों बनाऊँ जो सिर्फ मुझे पसंद है? मैं चाहूँगा वो फिल्म बनाऊँ जो बाकी लोग भी इंजॉय करें, जैसे पैसे आए हैं, पैसे भी आए, बिल्कुल, इतना जब अपना हम लगाते हैं तो पैसे भी आए। और कॉमेडी के सबसे जो है ना ब्रेक थ्रू करती है, क्योंकि हर एक का देखे टेंशन लाइफ में बहुत है, घर आते हैं काम से, काम कर टीवी पे लगाए, बेगम बड़ी तंग करती है। हाँ, सबकी बेगमें तंग करती है, ये मसला है। तो जब घर आए आप ना, तो फिर आप उसके बाद देखें या जब सिनेमा हॉल जाएं तो वहाँ भी टेंशन की बातें कर रहे हो, तो वो तो बंदा सड़ जाएगा, फिर कहेगा पैसे भी इतने निकलवाए और फिर टेंशन भी और दे दिया हमें। तो थोड़ी कॉमेडी लाइट होती है, लोग कहते हैं हाँ थोड़ा हंसे
थोड़ा सा गाना वाना देखा, अब फील गुड फिल्म थी, हम इनको भारी भरकम मैसेज नहीं था। पहले जब आपको उस टाइम पता लगा था कि ईद पे आपके साथ लेजेंड ऑफ मौला जट फिल्म आ रही है, तो आपकी थोड़ी सी ब्लास्ट हुई थी? काफ़ी ब्लास्ट हुई थी। उन्होंने फ़ोन किया मुझे, प्रोड्यूसर ने, उन्होंने कहा कि यार वो हम लोग भी ला रहे हैं, हमारी मजबूरी है। तो मैंने कहा हाँ, हम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम लोग भी ला रहे हो, और दिल में जो मैं कह रहा था ना वो तो मुझे पता है सिर्फ। बट क्या हुआ कि मैंने वापस नहीं ली अपनी फिल्म, पीछे बैकआउट नहीं किया कि चलो अब वो आ रही है और हमें एक दो शोज़ मिलेंगे या जितने भी मिलेंगे, तो ये नहीं किया। मैंने कहा नहीं, अब ईद की फिल्म है तो अपनी जगह बना लेगी ये फिल्म, वो डिफरेंट मूवी है बहुत, आपको पता है ना तलवारबाजी और ये, और बहुत अच्छी फिल्म है, ज़बरदस्त फिल्म बनाई है उन्होंने, ये पैसा भी बड़ा लगा है और टाइम भी बड़ा लगा है, 5-6 साल लगे हैं, बहुत अच्छी फिल्म होगी, वो ज़बरदस्त होगी। मगर आपको खुशी बड़ी हुई होगी कि यार इस पे ऊपर केस हो गया? नहीं, केस की खुशी बिल्कुल नहीं हुई मुझे, कि वो ना आने की केस ना आने की। देखिए मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी सी खुशी तो है कि मेरे साथ नहीं लग रही इतनी बड़ी फिल्म, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने बैकआउट नहीं किया था, मेरा ये ख्याल था कि हम अपनी जगह बना लेंगे इंशाल्लाह उसके सामने भी। मेरा ख्याल मैं भी शायद की वजह से आपकी फिल्म ज्यादा हिट हो जाएगी, अल्लाह करे इंशाल्लाह हिट हो जाए। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने पैसे कमाएंगे? पैसों का कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता होता पैसों का। आपने फिल्म अपनी खुद देखी है ना 100 दफा, तो आपको क्या लगता है कि आपके पिछली फिल्मों से ये बेहतर है या फिर थोड़ी सी बस ठीक बन गई? पिछली दोनों से बेहतर है, अच्छी है, डेफिनेटली। हां, थैंक यू, आपके साथ बात करके बड़ा शुक्रिया। आपका बड़ा यूनिक अंदाज है इंटरव्यू लेने का, तो इसलिए तो हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और बड़े आपके फैन हैं। मुझे आप अपने शो में बुलाएंगे फिर? हाँ, बड़ा मजा आएगा उस वाले शो में ना, जी जी, जब दो हम ऐसी तोपें साथ जमा हो जाएंगी तो फिर बातें क्या निकलेंगी। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और फिर क्या कहते हैं, मुझे आप फिल्म में भी अगली लेंगे? हाँ, उसके बारे में सोच लेंगे। छोटा सा रोल दे दे। अच्छा, छोटा भी चलेगा? हीरो वाला चलेगा, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो वो ना बड़ा अच्छा, मैं पैसे ज्यादा नहीं लूंगा। नहीं लेंगे ज्यादा? हाँ, कितने ज्यादा? कम ही लूंगा। अच्छा ठीक, कम ही लूंगा, बेयर मिनिमम। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो है अगली फिल्म से पहले पहले ही मिलेंगे।